पीपा जी का ऐसा कहना है कि जो पिंड शरीर तो बाहर ब्रह्मंड दे च है वो बहु उतना ही पसारा मनुख दे पिंड दे च है। जो कुछ असी ब्रह्मंड दे च देखदे आ मनुख दे पिंड दे च भी ओही कुछ है। मनुख दे शरीर दे शरीर नू पिंड आखे है। संस्कृत दे च शरीर नू पिंड कहंदे ने। ऐसे कहने ना भी पिंड प्राण वास्ते गया, पिंड का मतलब ही है शरीर ढांचा। तो आप कहने जो कुछ भी ब्रह्मण देच बार सूरज चंद तारे वगदी हुई पवन दिस रही है, पानी है, मनुख ने, वनस्पति है, पशु है, पंखी ने, इतना ही पसारा मनुख दे अंदर है। लेकिन रूप करके नहीं, सुभा करके, बस इन्नी अंश। कोई भी पशु मनुख दे अंदर रूप करके नहीं बैठा, सुभा करके जरूर बैठा। और ओ सुभा गाहे बगाहे प्रगट होंदे। सब ऐसा भी कहनन चंद ते सूरज सिर्फ बार ही नहीं, चंद सूरज दोए घट ही भीतर ऐसा ज्ञान न पाया। मनुख दे अंदर भी एक सूरज है, एक चंद्रमा है, अनगिनत पशु ने, दरिया ने वगदे हुए। और जैसे बाहर परमात्मा है, मनुख दे अंदर भी परमात्मा है। जो सारे ब्रह्मंड दी कथा है ओही एक पिंड दी कथा है। और इस भुलेखे च ना पै जाना कि मनुख सिर्फ इतना ही है जिन्ना दिसदा पे है। मनुख बड़ा है, बहुत कुछ है। एक मनुख दी भी बड़ी अपार कथा, महान कथा। तो जैसे इस शरीर दा एक बाहर दा पसारा है, एक अंदर दा। कहिंदे ने कि जिहड़ा सारा बाहर दा पसारा है इनू संसार कहिंदे ने, ते जो अंदर दी दुनिया इनू निरंकार कहिंदे ने। निर्गुण ते सरगुण दी भी इतनी ही व्याख्या, जो दिस रहा है वह सरगुण है, जो नहीं दिस रहा वह निर्गुण है। जैसे मकान दिस पैंदे ने ते मकान दी बुनियाद नहीं दिसदी, दरख्त दिस पैंदे ने दरख्तां दियां जड़ां नहीं दिसदियां, संसार दिस पैंदा है पर यह संसार जिस निरंकार दे आसरे ते खड़ा है वह नहीं दिसदा। हमेशा बुनियाद अदृश्य होंदी है, देखी नहीं जा सकती। तो वह जिहड़ी साडी अंदर दी दुनिया है वह अदृश्य है, उहनूं इह अखां नहीं वेख सकदियां। एक बाहर दी दुनिया है, एक अंदर दी दुनिया। एक बाहर दा धन है, एक अंदर दा धन है। एक बाहर दियां खुशियां ने, एक अंदर दियां खुशियां ने। और इतनी भी अर्ज करदे हां, कुछ दुख बाहर दे ने, कुछ दुख अंदर ने। और इसे तरीके नाल कुछ परिवार मनुख दा बाहर है ते कुछ परिवार अंदर है। समय दी गति दे मुताबिक कुछ अंदरूनी ए व्याख्या मैं थोड़े सामने रखनी है। बाहरों तुसी कितने धनवान हो इसका कोई मतलब नहीं, कोई मनुख अंदरों किन्ना क धनवान है ये वेखनी है। अज इत्थे बैठ के इस गल दी विचार करनी। बाहरों एक मनुख बड़ा प्रभावशाली है पर देखना है इस दे अंदर कितनी प्रभुता है, बस इस गल दी अज खोज करनी है। ते धर्म ए कहिंदा है तू अंदरों की है, बाहरों जो कुछ है वह गल वखरी है। बहुत सारी दुनिया इस ढंग नाल जी रही है कि बाहरला पसारा ठीक होवे और अंदर नू बिल्कुल बिगाड़ के रख देंदी। बाहर कुटुंब चाहिदा है, धन संपदा चाहिदे ने, मकान चाहिदा है, सब कुछ चाहिदा है। लेकिन एक अंदर दी भी दुनिया है, कहिंदे ने उत्थे भी सब कुछ चाहिदा है और सब कुछ है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब दूसरी उदासी दी भरमणा तो बाद घर दे च वापस आए ने, ते कुछ दिनों बाद फिर तीसरी उदासी वास्ते तैयारी कर रहे ने, तो इतिहासकार भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखे है कि साहबां दी माता तृप्ता जी कुछ रोस प्रगट कर दिया। वो कहंदिया ने पुत्र नानक जी तुसी ग्रस्ती हो, हुण सिर्फ थोड़ी बाहर दी दुनिया नहीं, कुछ घर दी दुनिया भी है। थोड़ा परिवार है, माता पिता है गए ने, आखिर सब कुछ नू छड़ के इस ढंग नाल चले जाना ये मुनासिब नहीं।
और मैं कितनी अर्ज कर दिया, वाहिद ओ प्रचारक सी बाबा नानक, जो रुखा तले रात कट के सच दा होका देंदा रहा, पत्थर खा के भी सत नाम दा प्रचार करदा रहा, देशां विदेशां विच पैदल चल के भी हकीकत दुनिया दे सामने रखदा रहा। और धुन इको ही सी के लोगां दे हिरदियां तक सच पहुंचाना, ये धुन बाबे दी इतनी पक्की सी के कई दफा चार चार साल पंज पंज साल दी लगातार लंबी उदासी भी हो जांदी सी। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, माता तृप्ता जी सामने आईया ते कहन लगियां, पुत्र नानक जी परिवार दे विच रहना भी थोड़ा धर्म है, फर्ज है। उत्थे साहिब कहंदे ने, मां मैं ते कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं, कदी नहीं बिछड़िया। उस वक्त तृप्ता जी अखां भर के कहंदियां, ये फिर सुदाइयां वाली गल, पंज पंज सत सत साल तक मुंह नहीं दिखांदा ते कहंदा मैं कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं, बस ये गल्लां बिल्कुल सुदाइयां वालियां, ये बिल्कुल जिहड़ी गल है ये बेहोश मनुख दी। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने यह लंबी चौड़ी वार्ता लिखी है। तो मां जारो जार रोन लग पई। साहब समझांदे ने, माता रो ना, मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल हुंदा। माता कहन लगी, मैं तो इत्थे ही रहिंदी हां, पिता इत्थे है, बच्चे इत्थे ने, कौन हुंदा तेरे नाल? सिर्फ एक मर्दाना है, दूजा बाला है, परिवार का तो कोई फर्द थोड़े नाल है ही नहीं। उस वक्त साहब कहंदे ने माता नूं समझांदे होए, कुछ परिवार बाहर दा हुंदा है, कुछ अंदर दा हुंदा है, कुछ दुनिया मनुख दी बाहर दी है, कुछ अंदर दी है। ऐसा भी देखण दे चाया, कई दफा मनुख दी बाहर दी दुनिया उजड़ जांदी है, अंदर दी नहीं उजड़दी। ते कई दफा ऐसा देखण दे चाया, अंदर दी दुनिया बिल्कुल बर्बाद हो जांदी है, बाहर दी रहिंदी। संसार दे च ऐसे घट बंदे मिलणगे जिहड़े अंदरों बाहरों सवरे हुए होवन, जिन्हां दी अंदर दी दुनिया भी ठीक होवे ते बाहर दी दुनिया भी ठीक होवे। गुस्ताखी माफ, जिहड़े बाहरों बड़े शराफत दे पुतले दिसदे ने, कई दफा अंदरों शरीफ नहीं होंदे। जिहड़े बाहरों बड़े गुणवान दिसदे ने, ते अंदरों कोई गुणवान नहीं होंदे। जिहड़े बाहरों बड़े दानी ते ज्ञानी दिसदे ने, औखे ना होना, अंदरों कोई दान ते ज्ञान दी गल नहीं होंदी। जिहड़े बाहरों बड़े सेवक ते नितनेमी दिसदे ने, अंदरों कोई ऐसी गल नहीं आउंदी। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान है औरंगजेब नूं समझांदिआं कि असी हमो मर्द बायद शवद सुखनवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। ऐ औरंगजेब, मर्द ओ है जिहड़ा अंदरों बाहरों एक होवे, ऐसा नहीं कि चेहरे ते कुछ होर होवे, दिल दे च कुछ होर होवे। चेहरे ते शराफत प्रगट करे ते दिल दे च बदमाशी होवे। चेहरे दे ते इंसानियत झलके लेकिन दिल दे च हैवानियत होवे। चेहरे दे ते रहम दिली जो है टलके लेकिन अंदर कठोरता होवे, बड़ी कठोरता होवे। ऐसा है, मनुख अपने दो रूप बना सकता है, कोई पशु अपने दो रूप नहीं बना सकता। कुत्ता अंदरों बाहरों कुत्ता ही है, उदे दो रूप नहीं ने। सप अंदरों बाहरों सप है, इदे दो रूप नहीं ने। और इसे तरीके दे नाल गऊ अंदरों बाहरों गऊ है, शेर अंदरों बाहरों शेर है। ऐसा नहीं कि शेर का बाहर का रूप कुछ होर होवे ते अंदर का रूप कुछ होर होवे। ये अंदरों बाहरों एक है लेकिन मनुख अंदरों बाहरों एक नहीं है। ये कई दफा बाहरों कुछ होर दिसता है, अंदरों कुछ होर आंदा है। असी भुल के भी कदी नहीं कहिंदे भई ऐ कुत्ते तू कुत्ता बन जा, ऐ कुत्ता की उसने कुत्ता बनना है, भई ऐ गऊ तू गऊ बन जा असी नहीं कहिंदे, ऐ सप तू सप बन जा असी नहीं कहिंदे। लेकिन ऐसा सानू अक्सर कहना पैंदा, ऐ बंदे तू बंदा बन जा। पता है क्यों कहिंदे आ? गऊ ते गऊ है ही, अंदरों बाहरों गऊ है, अंदरों बाहरों सप सप है, मनुख अंदरों बाहरों मनुख नहीं है।
ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਸ਼ਿਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹਾਫਿਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦ ਜਾਂ ਫਿਦਾਏ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨਸ਼ ਦਿਲਸ਼ ਯਕੇਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਬਾਹਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਵੀ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੜਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼, ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭੁਲੇਖ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੰਦਰ ਜੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੜਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਐਸਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਕਾਠ ਵੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਸਦ ਜਾਂ ਫਿਦਾਏ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨਸ਼ ਦਿਲਸ਼ ਯਕੇਸ਼। ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਮਗਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਿਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਸੰਵਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਉਜੜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਬਰਬਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਸੰਵਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ, ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੌਕ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰਗ ਰਾਈ, ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ
कबीर के घर नूं अग ला दित्ती। ऐसा पुरश जिहड़ा अंदरों शिंगारिया होया होवे, संवरिया होया होवे कि सारी दुनिया उजड़ी हुई होवे, ऐसा बंदा फिर उन्हां लोकां नूं चंगा नहीं लगता, उन्हूं भी उजाड़न की कोशिश करदे ने, अग ला दित्ती। बैठे सन कबीर गंगा दे तट ते, लड़का भजिया होया गया, किसी मस्ती च बैठा सी कबीर। आखिया बापू घर नूं अग लग गई, लोगों ने घर नूं अग ला छड़ी। मस्ती विच भरे हुए इस कबीर ने दो अखर कहे ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज ने, पर मैं समझदा जबान तो कहना बड़ा आसान है, दिलों कहना बड़ा औखा है। कबीर ने दिलों आखे ने, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहो समाए। ऐ मेरे बच्चे, घर नूं अग लग गई है, पर जिस मस्ती च मैं बैठा कोई मेरे तन नूं भी अग ला देवे तां वी परवाह नहीं।